Hello students, today we are going to discuss question answers of lesson 25. Question number 1 is beta, what is a map? Naksha kya hota hai? Answer, a map is a plan of the earth showing rivers, roads, lakes, etc. Ek naksha earth ka yani ki prithvi ka aisa plan hota hai jisme ki जितने भी उस एरिया में रिवर्स हैं, रोड्स हैं या लेक्स हैं या और कोई भी फीचर है, जैसे कहाँ पर टाउन है, कहाँ सिटीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक मैप में दर्शाई जाती हैं बेटा, एक मैप में बताई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ द स्केल मैप इम्पॉर्टेंट? मैप के लिए स्केल क्यों ज़रूरी है? The scale is important to read the map properly. एक नक्शे को ठीक प्रकार से पढ़ने के लिए या समझने के लिए स्केल बहुत ज़रूरी है. Question number 3. Name the neighborhood services near Ali's house. अली के घर के पास कौन कौन सी सेवाएं हैं वो बतानी है बेटा हमने. Answer is बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल. आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया था, पोस्ट ऑफिस या पार्क, मॉल. आप इसमें कोई भी सर्विस लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टू टाइप्स ऑफ मैप स्केल्स. मैप के कौन कौन से दो स्केल्स होते हैं? आंसर इज The two types of map scales are big scale and small scale. जो दो तरह के scales होते हैं वो हैं big scale और small scale. Question number 5. How do symbols help to read a map? एक map को पढ़ने के लिए symbols यानी कि चिन्ह कैसे help करते हैं? Symbols help to read a map as they resemble the features on map. चिन्ह जो होते हैं वो एक नक्शे को पढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, वो जो भी फीचर हम मैप पर बनाते हैं उससे रिजेंबल करता है, यानी कि उसके उससे मेल खाता है. जैसा कि बेटा हमने चैप्टर में रीड किया था, अगर कहीं पर फॉरेस्ट दिखाना है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज बनाते हैं. इस तरीके से कोई भी अगर हमने कोई भी जगह अगर मैप पे दिखानी होती है, कोई भी फीचर दिखाना होता है, तो उससे मेल खाता यानी कि उसके जैसा सिंबल बनाया जाता है, जिससे कि हमें मैप पढ़ना इजी हो जाता है. दिस इज़ ऑल बेटा.